क्या बात है पिया जी, क्योंकि अभी अभी मेरा लाल भगत सिंह मुझसे मिलकर के गया है और उसको देखने के बाद एक सुकून मिला है, इसलिए मैं जगी हूँ। भगत सिंह? हाँ पिया जी। भगत सिंह यहाँ कैसे आ सकता है? आया था। भगत सिंह को तो अंग्रेजों ने जेल के अंदर बंद कर रखा है, ये तेरा ख्याल है? भगत सिंह यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन पिया जी अभी आया, उसने मेरे पैर छुए, आपके पैर छुए और मुझसे आशीर्वाद लेकर के गया है पिया जी मेरा लाल। ये तुझे बस ख्याल आ रहा है, बाकी भगत सिंह यहाँ पर लौटने वाला नहीं है। तू भी जानती अच्छी तरह से कि भगत सिंह के साथ में कल क्या होने वाला है। मेरी बात सुनिए। कहिए पिया जी। Yeah.
है जिसे सदियों से रहा जमाना, क्योंकि वतन पर मिटने वाले आज भी जी रहे हैं, वतन पर मिटने वाले आज भी जी रहे हैं। ये रागनी पसंद आ रही है, मैं चाहूंगा कि एक बार मंच की तरफ से भी जोर बताई हो जानी चाहिए। कैसे भगत सिंह के पिता
खुशी ये भी हो रही है कि देश के लिए हमारा बेटा मर मिटने को तैयार है। मां ये भी सोच रही है कि मेरी कोख से ऐसा शेर पैदा हुआ है जो अंग्रेजों के सामने दिल भर झुकने को डरने को तैयार नहीं है। ये गर्व भी महसूस कर रही है, लेकिन बेटे की ममता, माता की वो ममता उनको बेचैन कर रही है, व्याकुल कर रही है। आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। अंतिम कली में कैसे क्या हो रहा सब।